हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.2 देख रहे हम और एक्सरसाइज 5.2 में का ये है क्वेश्चन नंबर 11। ये है एक्सरसाइज 5.2। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द सेंट्रोइड ऑफ अ टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी इज 1, 2, -1। एक टेट्राहेड्रन हमें यहाँ पर लेना है और उस टेट्राहेड्रन का सेंट्रोइड उसके कोऑर्डिनेट दिए है 1, 2, -1। ठीक है, साथ में क्या दिया है, ए बी सी इनके कोऑर्डिनेट भी दिए है। और करना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी ए बी सी फ्रॉम द ओरिजिन। पॉइंट पी का निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है सेंट्रोइड ऑफ अ टेट्राहेड्रन। अब टेट्राहेड्रन वो रहता है लाइक दिस, ये ऐसा रहता है टेट्राहेड्रन। सपोज यहाँ पे ओ होगा ए बी सी, तो इस तरह का टेट्राहेड्रन हम लेते हैं और इस टेट्राहेड्रन का सेंट्रोइड हमें यहाँ पे दिया है, सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट्स 1, 2, -1। अब सेंट्रोइड का सिंबल वो लेते हैं कैपिटल जी। सेंट्रोइड का सिंबल वो लेते हैं कैपिटल जी एंड इन दिस केस सेंट्रोइड का जो पोजीशन वेक्टर होगा, मतलब जी का पोजीशन वेक्टर, मतलब जी बार इक्वल टू रहता है ओ बार प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन में लेते हैं 4। ओ बार प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन में लेते हैं 4। मतलब क्या करने का, चारों वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर का सम अपॉन 4। चारों वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर का सम अपॉन 4। इस तरह से हम लेते हैं टेट्राहेड्रन के सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर। और ये जो फॉर्मूला है, दिस इज नोन एज सेंट्रोइड फॉर्मूला फॉर द टेट्राहेड्रन। दिस इज नोन एज सेंट्रोइड फॉर्मूला फॉर द टेट्राहेड्रन। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले जो सेंट्रोइड हमें यहाँ पे दिया है उस सेंट्रोइड को सिंबल देना पड़ेगा जी, कैपिटल जी। लेट जी इक्वल टू 1, 2, -1। ये क्या है, सेंट्रोइड। ठीक है, अब देखो यहां पर सभी पॉइंट के दिए हैं कोऑर्डिनेट्स, तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हम कोऑर्डिनेट के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर सपोज यहां पे होगा पॉइंट पी और उसके कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1, z1। ठीक है, सपोज यहाँ पे होगा P, तो यहाँ पे O के जगह पर हम क्या लेंगे, P, एनी पॉइंट। सपोज P होगा x1, y1, z1, A होगा x2, y2, z2, B होगा x3, y3, z3 और C होगा x4, y4, z4। क्या किया, सभी वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे लिए है। तो यहाँ पर देखो ये सेम फॉर्मूला हम कोऑर्डिनेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
लेफ्ट साइड में क्या है, सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर। अब हम पोजीशन वेक्टर के जगह पर लेंगे उसके कोऑर्डिनेट। अब देखो, सपोज सेंट्रोइड जो है उसके कोऑर्डिनेट वो होंगे इन जनरल एक्स वाई जेड। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट वो क्या लिए हमने, इन जनरल एक्स वाई जेड। तो देखो, सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या करने का, चारों वर्टाइसेस का सम अपॉन में लेते हैं 4। एक्स के लिए एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाई के लिए वाई कोऑर्डिनेट्स, जेड के लिए जेड कोऑर्डिनेट्स। तो क्या आएगा फिर, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर अपॉन 4। बाद में सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट y इक्वल टू वो बनेगा y1 वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर अपॉन 4। और सेंट्रोइड का z कोऑर्डिनेट वो बनेगा z इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड फोर अपॉन 4। तो इस तरह से हम लेते हैं सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स, ओके। और हमारे क्वेश्चन में देखो, सभी पॉइंट के दिए हैं कोऑर्डिनेट्स, तो ये वाला फॉर्मूला हमें यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। देखो, अब बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला ऑफ द टेट्राहेड्रन, सेंट्रोइड फॉर्मूला फॉर टेट्राहेड्रन। और इसके पहले हमने देखा था सेंट्रोइड फॉर्मूला फॉर ट्रायंगल। ये क्या है, सेंट्रोइड फॉर्मूला फॉर टेट्राहेड्रन। क्या करने का, देखो लेफ्ट साइड में आएंगे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट और राइट साइड में चारों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट का सम अपॉन में लेते हैं 4। तो सबसे पहले आएगा सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट, लेफ्ट साइड में क्या, सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या रहेगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर अपॉन में 4। अब देखो, हमारे क्वेश्चन में जो टेट्राहेड्रन दिया है वो कौन सा है, ओ ए बी सी। हमारे क्वेश्चन में टेट्राहेड्रन कौन सा है, ओ ए बी सी। यहां पर ओ इज द ओरिजिन, तो ऐसा आएगा सपोज यहां पे ओ, यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर सी। ओ इज द ओरिजिन, वो रहेगा 0 0 0। ए दिया है 8 2 3, बी दिया है 1 b 2 और सी दिया है 2 1 c, ठीक है ना। आप देखो, पहले क्या लिया, सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या आएगा, यहां से एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर अपॉन 4, ये वाला फॉर्मूला। तो यहां पर मिलेगा 0 प्लस ए प्लस 1, ये 0 प्लस ए प्लस 1 प्लस 2 अपॉन में वॉट 4। यहां से मिलेगी आपको ए की वैल्यू, देयरफॉर 4 into 1 4 इक्वल टू आएगा ए प्लस 1 plus 2 3, मतलब ए इक्वल टू मिलेगा 1, राइट। अब आएगा सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट। इन दिस केस सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट वो है 2, इक्वल टू क्या आएगा, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर अपॉन 4, मतलब 0 प्लस 2,
जीरो प्लस टू प्लस बी और प्लस वन अपॉन में फोर। देयरफॉर अब देखो फोर इंटू टू वो बनेगा एट इक्वल टू ये जीरो निकाल दो यहाँ पे मिलेगा बी प्लस थ्री तो वहाँ से मिलेगा आपको बी इक्वल टू फाइव। नाउ वी टेक जेड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का जेड कोऑर्डिनेट वो है माइनस वन इक्वल टू क्या रहेगा जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड फोर अपॉन फोर दैट इज जीरो प्लस थ्री प्लस टू प्लस सी अपॉन में रहेगा फोर। देयरफॉर अब देखो फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा फाइव प्लस सी तो यहाँ से मिलेगा c इक्वल टू माइनस फोर माइनस फाइव मतलब माइनस नाइन। तो ये क्या मिले a b c के वैल्यूज मिल गए। करना क्या है पॉइंट P का निकालना है डिस्टेंस कहाँ से ओरिजिन से। पॉइंट P की कोऑर्डिनेट है ए बी सी उसका निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो नाउ P के कोऑर्डिनेट्स वो है ए बी सी देयरफॉर P बनेगा A इज वन B is 5, C is minus 9, right? अब पॉइंट P का निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मतलब OP मतलब क्या OP OP इक्वल टू अब देखो डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसा रहेगा सपोज यहाँ पर ओरिजिन यहाँ पर P और ए डिस्टेंस ओ पी ओरिजिन इज जीरो 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 और P मिला वन फाइव माइनस नाइन वन फाइव माइनस नाइन। अब निकालना क्या है डिस्टेंस ओ पी निकालना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब देखो डिस्टेंस फार्मूला मतलब अंडर रूट क्या रहता है x2 टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा वन माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस माइनस नाइन माइनस जीरो होल स्क्वायर। देयरफॉर ओ पी इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पे मिलेगा वन वन का स्क्वायर वन यहाँ पर फाइव उसका स्क्वायर ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन का स्क्वायर प्लस एटी वन ठीक है। तो अंडर रूट हाँ कितना हाँ वन प्लस एटी वन मतलब नाइन्टी वन नाइन्टी वन प्लस ट्वेंटी फाइव नाइन्टी वन वन जीरो वन 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 प्लस फाइव वन वन सिक्स ओ पी इक्वल टू आएगा अंडर रूट वन वन सिक्स। तो ये मिला डिस्टेंस ऑफ वन वन सिक्स क्या है ट्वेंटी फाइव प्लस एटी वन प्लस वन वन जीरो सेवन आएगा वन जीरो सेवन ये क्या बनेगा वन जीरो सेवन ठीक है हाँ बराबर है आंसर इज अंडर रूट वन जीरो सेवन। तो ये मिला डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। ओके दिस इज द आंसर लिख लो ये कॉपी कर लो इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। सेम क्वेश्चन है, क्या लिखा है देखो, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन विथ गिवन वर्टाइसेस। टेट्राहेड्रन के चार वर्टाइसेस हमें यहाँ पे दिए हैं और उसका निकालना है सेंट्रॉइड। तो पहले हमें सेंट्रॉइड कंसीडर करना पड़ेगा। लेट जी एक्स वाई जेड बी द सेंट्रॉइड, बी द सेंट्रॉइड। अब इस सेंट्रॉइड के निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स, मतलब हमें निकालना है एक्स वाई जेड के वैल्यूज, एक्स वाई जेड के वैल्यूज। और उसके लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सेंट्रॉइड फार्मूला जो कि हमने अभी अभी इसके पहले के क्वेश्चन में देखा था, राइट। सो नाउ वी अप्लाई सेम सेंट्रॉइड फार्मूला। बाय सेंट्रॉइड फार्मूला, सबसे पहले सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू क्या रहता है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर अपॉन में फोर, मतलब लाइक दिस, फाइव प्लस वन प्लस फोर प्लस सिक्स अपॉन में आएगा फोर। हाँ तो ये क्या बनेगा, टेन प्लस वन इलेवन प्लस फाइव सिक्सटीन, सिक्सटीन बाय फोर दैट इज ओनली फोर। अब आएगा वाई कोऑर्डिनेट, वो क्या रहेगा, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर अपॉन में फोर दैट इज माइनस सेवन प्लस फाइव, वहाँ पे माइनस है, माइनस सिक्स फिर से माइनस है अपॉन में फोर, क्या आएगा, माइनस सेवन प्लस फाइव माइनस टू, माइनस टू माइनस सिक्स माइनस एट, माइनस एट माइनस फोर माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व अपॉन फोर मतलब माइनस थ्री। अब आएगा सेंट्रॉइड का जेड कोऑर्डिनेट, वो रहेगा जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री अपॉन थ्री दैट इज जीरो प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस टू अपॉन में फोर, क्या आएगा, ये सिक्स प्लस टू एट, एट अपॉन फोर दैट इज टू। देयरफॉर हाँ तो ये क्या मिले, एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट, और एक्स वाई जेड क्या है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट। देयरफॉर सेंट्रॉइड वो लिया था एक्स वाई जेड, वो क्या बनेगा, फोर माइनस थ्री एंड टू, बस ये आपका आंसर। तो ये मिला रिक्वायर्ड सेंट्रॉइड, ठीक है। हाँ अगर इसका पोजीशन वेक्टर निकालना रहा, अगर इसका पोजीशन वेक्टर निकालना रहा, देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड, अगर एग्जाम में पूछते हैं फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड, अब देखो जी का पोजीशन वेक्टर वो रहेगा जी बार, क्या करने का, जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट है उनको सिर्फ आई जे के से मल्टीप्लाई करने का, इस तरह से फोर आई कैप माइनस थ्री जी कैप प्लस टू की कैप, पॉजिटिव रहा तो प्लस नेगेटिव रहा तो माइनस, बस। तो देखो ये है सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट और ये है सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर। क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा वो लिख दो, ठीक है, कॉपी कर लो ये। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके नाउ नेक्स्ट बिट, अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर के प्रोडक्ट वो है तीन टाइप के, फर्स्ट इज स्केलर प्रोडक्ट, सेकंड इज वेक्टर प्रोडक्ट एंड थर्ड इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसमें का फर्स्ट वो है स्केलर प्रोडक्ट, और इसको ही बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको ही बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। देखो अब क्या रहता है स्केलर प्रोडक्ट। अब यहां पे हम दो वेक्टर लेंगे, सपोज ए बार एंड बी बार, दिस इज ए बार एंड दिस इज बी बार। अब दोनों के बीच में का एंगल वो होगा थीटा। दोनों के बीच में का एंगल वो क्या लिया, थीटा। अब इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय ए बार डॉट बी बार। ए बार और बी बार का स्केलर प्रोडक्ट उसको लिखते हैं ऐसा, ए बार डॉट बी बार, और इक्वल टू रहता है क्या करने का, देखो मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मॉड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्या करने का, मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मॉड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, मतलब इंटू में आएगा कॉस थीटा। अब देखो वी नो दैट मॉड ऑफ ए बार उसको हम लिखते हैं सिंपली ए, ए मतलब मॉड ऑफ ए बार, और मॉड ऑफ बी बार को लिखते हैं सिंपली बी, बी मतलब मॉड ऑफ बी बार, इंटू में आएगा कॉस थीटा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट। अब देखो इस डेफिनेशन के ऊपर से हमें इस एंगल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मिलेगा। क्या करने का, ए बी को लो लेफ्ट साइड में, वो आएगा नीचे, तो आपको मिलेगा कॉस थीटा इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन में क्या आएगा ए बी। ए मतलब मॉड ऑफ ए बार और बी मतलब मॉड ऑफ बी बार। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बाय यूजिंग द स्केलर प्रोडक्ट दैट इज डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, और ये फॉर्मूला दो वेक्टर के बीच में का एंगल फाइंड आउट करने के लिए, राइट। इसके बाद आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी अब देखो, अगर ए बार और बी बार रहते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ए बार और बी बार वो दोनों रहते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उन दोनों के बीच में का एंगल वो रहेगा 90 डिग्रीज। अब देखो, अब ये डेफिनेशन यहां पर लेंगे हम, देन ए बार डॉट बी बार इक्वल टू क्या मिला था, ए बी कॉस थीटा, थीटा मिला 90 डिग्रीज। ए बार डॉट बी बार इक्वल टू, आप देखो वी नो दैट कॉस 90 वो रहता है जीरो,
कॉस 90 क्या रहता है, जीरो, ए बी इंटू जीरो वो बनेगा जीरो, तो क्या मिला ए बार डॉट बी बार इक्वल टू मिला जीरो। तो इसका मतलब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है ना। अब उल्टा आ जाओ, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो मिलता है तो वो दो वेक्टर कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, अब देखो यहां पर हमने ए बार और बी बार को लिया था परपेंडिकुलर, अब लेंगे हम पैरेलल। इफ ए बार इज पैरेलल टू बी बार, और अगर ए बार बी बार पैरेलल रहेंगे तो दोनों के बीच में का एंगल वो रहेगा जीरो डिग्रीज। नाउ अगेन वी टेक धिस डेफिनेशन, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू क्या मिला, ए बी कॉस थीटा, थीटा मिला जीरो डिग्रीज। देयरफॉर ए बार डॉट बी बार इक्वल टू, नाउ वी नो दैट कॉस जीरो वो रहता है वन, तो सिंपली क्या मिलेगा ए इंटू बी इंटू वन, तो सिंपली आपको मिलेगा ए इंटू बी। तो इसका मतलब अगर ए बार और बी बार दोनों रहते हैं पैरेलल तो क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू मिलेगा ए बी, ए मतलब मोड ऑफ ए बार और बी मतलब मोड ऑफ बी बार, ठीक है। अब देखो सिमिलरली अब हम लेंगे ए बार डॉट ए बार, क्या ले रहे हैं हम ए बार डॉट ए बार। अब देखो डिफिनेशन क्या करते हैं हम, मोड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मोड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, सेम डिफिनेशन यहां पर, मोड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मोड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब देखो ए बार और ए बार दोनों के बीच में क्या एंगल, अब देखो दोनों वेक्टर सेम है, अब देखो ए बार ने खुद के साथ तैयार किए वाला एंगल खुद के साथ वो क्या रहेगा, जीरो डिग्रीज, तो यहां पे आएगा कॉस ऑफ जीरो डिग्रीज। अब देखो ए बार डॉट ए बार इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार ओनली ए, मॉड ऑफ ए बार ओनली ए, और कॉस जीरो वो रहता है वन, कॉस जीरो वो क्या रहता है वन, तो यहां से आपको मिलेगा ए बार डॉट ए बार इक्वल टू ए इंटू ए, ए स्क्वायर इंटू में आएगा वन। तो सिमिलरली बी बार डॉट बी बार इक्वल टू आएगा बी स्क्वायर, बी मतलब क्या मोड ऑफ बी स्क्वायर, हाँ बी मतलब मोड ऑफ बी बार, बी मतलब मोड ऑफ बी बार, या फिर ऐसा लिखो बी बार डॉट बी बार इक्वल टू ऐसा मोड ऑफ बी बार होल स्क्वायर, और मोड ऑफ बी बार उसको हम लिखते हैं ओनली बी। तो वैसे ही सी बार डॉट सी बार मतलब मोड ऑफ सी बार होल स्क्वायर दैट इज सी स्क्वायर, वैसे ही डी बार डॉट डी बार इक्वल टू आएगा मॉड ऑफ डी बार होल स्क्वायर, उसका ही मतलब क्या डी स्क्वायर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखो ए बार डॉट ए बार इक्वल टू व्हाट मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, सी बार डॉट सी बार मॉड ऑफ सी बार का स्क्वायर दैट इज सी स्क्वायर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये है सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लो लिख लो, इसके बाद आएगी नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
ओके नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बेसिक वेक्टर्स. अब देखो बेसिक वेक्टर्स वो रहते हैं आई कैप जे कैप के कैप, इनको बोलते हैं बेसिक वेक्टर. अब ये तीनों रहते हैं यूनिट वेक्टर्स, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रहेगा वन यूनिट बिकॉज दे आर द यूनिट वेक्टर्स. एज वेल एज ये तीनों रहते हैं अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, बराबर है. आई कैप इज अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज अलोंग वाई एक्सिस, के कैप इज अलोंग जेड एक्सिस. देयरफॉर ये तीनों रहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वो तीनों रहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट. अब इनके लेने हैं स्केलर प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट. तो पहले आएगा खुद के साथ और बाद में आएगा अदर वेक्टर के साथ. पहले हम लेंगे खुद के साथ, मतलब ऐसा आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, पहले खुद के साथ बाद में अदर वेक्टर के साथ. तो पहले आएगा आई कैप डॉट आई कैप. देखो डिफिनेशन क्या करते हैं, हम मोड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मोड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. क्या आएगा देखो, मोड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मोड ऑफ सेकेंड वेक्टर. देखो दोनों वेक्टर सेम है, दोनों वेक्टर सेम है तो दोनों के बीच में का एंगल वो रहेगा 0 degrees. अब देखो देयरफॉर आई कैप डॉट आई कैप, अब यहां पर मोड ऑफ आई कैप वो है 1, मोड ऑफ आई कैप 1, अगेन मोड ऑफ आई कैप 1 इंटू कॉस 0 वो भी रहता है 1. तो सिंपली वी गेट आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू मिलेगा 1. तो सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप वो भी रहेगा 1 और के कैप डॉट के कैप वो भी रहेगा 1. तो इसका मतलब जो बेसिक वेक्टर रहते हैं उनका खुद के साथ स्केलर प्रोडक्ट वो रहता है 1. तो ये हो गया खुद के साथ. अब आएगा अदर वेक्टर के साथ, मतलब आई कैप डॉट जे कैप, बाद में जे कैप डॉट के कैप, बाद में के कैप डॉट आई कैप, लाइक दैट. अब नेक्स्ट पॉइंट, अब लेंगे हम आई कैप डॉट जे कैप. डिफिनेशन क्या करते हैं, हम मोड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मोड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. देखो मोड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मोड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. अब देखो आई कैप और जे कैप दोनों के बीच में का एंगल, अब यहां पर देखो आई कैप और जे कैप दोनों हैं परपेंडिकुलर तो दोनों के बीच में का एंगल वो रहेगा 90. एंड वी नो दैट कॉस 90 वो रहता है 0, कॉस 90 वो रहता है 0. तो ये कंप्लीट टर्म बनेगी 0, मतलब वी गेट आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 0. तो सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप वो बनेगा 0, एज वेल एज के कैप डॉट आई कैप वो भी क्या बनेगा 0. तो इसका मतलब जो बेसिक वेक्टर रहते हैं उनमें क्या मिलेगा, खुद के साथ स्केलर प्रोडक्ट वो रहता है 1 और अदर वेक्टर के साथ वो रहता है 0.
right? So this is the scalar product for the basic vectors, right? इसके बाद आएगी next property. पहले ये सब कुछ अच्छे से copy कर लो. Okay. Now next property, expression for a bar dot b bar. A bar dot b bar का expression हमें यहाँ पर find out करना है. अब देखो, a bar dot b bar का expression find out करने के लिए पहले हमें a bar और b bar दोनों के individual expressions consider करने पड़ेंगे. Suppose let a bar equal to होगा a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap. बाद में b bar equal to होगा b1 i cap प्लस बी टू जी कैप प्लस बी थ्री की कैप. क्या क्या हमने ए बार और बी बार दोनों के इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस यहां पर कंसीडर किए हैं. अब इन दोनों का लेना है स्केलर प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट. इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए बार डॉट बी बार. क्या करने का, देखो स्केलर प्रोडक्ट लेते वक्त आई जे के इनको रिमूव कर देने का और सिंपली यहां पर लेने का ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री. तो यहां पर आएगा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री. तो इस तरह से हम ए बार डॉट बी बार इसकी वैल्यू बना सकते हैं. इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट ए बार डॉट बी बार. ठीक है, इसका एग्जांपल देखो. एग्जांपल सपोज लेट ए बार इक्वल टू होगा टू आई कैप माइनस थ्री जी कैप प्लस फाइव के कैप एंड बी बार इक्वल टू होगा थ्री आई प्लस फोर जी माइनस के कैप. अब इन दोनों का लेना है डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट. अब इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए बार डॉट बी बार. क्या करने का, आई जी के रिमूव कर देने के. तो सिंपली यहां पे मिलेगा टू इंटू थ्री सिक्स माइनस थ्री इंटू फोर माइनस ट्वेल्व फाइव इंटू यहां पे मिलेगा माइनस वन. के कैप का कोई एफिशिएंट माइनस वन, तो फाइव इंटू माइनस वन वो बनेगा माइनस फाइव. कितना आएगा, सिक्स माइनस फाइव वन, सिक्स माइनस फाइव वन और माइनस ट्वेल्व प्लस वन माइनस इलेवन. बराबर है, सिक्स माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्स, माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस इलेवन. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बार डॉट बी बार. ठीक है, कॉपी कर लो ये. इसके बाद आएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट.